गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंगल और आज है 31 जनवरी और आज ही मई इस मंथ का एंड है और मैं आप लोगों से आज का ब्लॉग में 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 वीडियो शूट करी थी आज, एक होममेड लिप बाम की और एक फेस प्रैपिंग साड़ी पहन के जो फेस प्रैपिंग की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी वो, तो मैंने आज वो दोनों वीडियो फिनिश करी हैं। आपको इससे पहले, इस ब्लॉग से पहले वो दोनों वीडियो आएंगी और अगर आपने वो वॉच ना करी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो गाइज़ आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ मैं नीचे, मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए और आज मैंने जो बिंदी है वो काफ़ी ऊपर लगाई है, तो आप मुझे बताइएगा कि वो कैसी लग रही है। और मैं जा रही हूँ अभी नीचे और मैं बनाऊँगी चाय और उसके बाद मैं पोहे बनाऊँगी, तो कुछ खाऊँगी, थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ और पोहे बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं पोहे किस तरह से बनाती हूँ, आप भी सीखिएगा। कुछ लोगों के सब्सक्राइबरों की वजह से आज मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, वो लोग बोलते हैं मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, इस वजह से मैं स्लो बोल रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी अभी पोहे और चाय, तो फिर नीचे चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं और आप भी मेरे साथ खाइएगा। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में और मैंने गैस पर रख दिए कढ़ाई और एक तरफ मैंने पोहे भिंगो दिए हैं जिसे पानी देकर, और एक तरफ मैंने रख दिए चाय बनने के लिए। और मैंने यहाँ पर डाल दी है कढ़ाई में तेल सरसों का और उसमें डाल दिए मूंगफली पीनट्स जिसको बोलते हैं, और एक तरफ मैंने रख दिए चाय और इधर मैं चाय बनने रख दी है और इधर मैं पोहे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है मूंगफली को चला रही हूँ मैं धीरे धीरे करके ताकि वो लग नहीं जाए, और इधर मेरी चाय बन रही है। तो यहाँ पर मेरी मूंगफली पक गई है और मैंने उनको निकाल के एक प्लेट में कर लिया। बचे हुए सरसों के तेल में मैं डालने वाली हूँ हींग और राई और हल्दी, टमाटर जो डाल के मैंने थोड़े से जल्दी से चला लिए हैं, और चलाने के बाद मैं इसमें सारे मसाले, नमक और जो भी मसाले होते हैं वो सब मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ पोहे। चिड़वे को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था ताकि उसके जो पानी है वो सोख जाए। तो यहाँ पर मेरे पोहे बन गए हैं और इधर मैंने डाल दी थोड़ी सी चीनी जिससे मेरे थोड़े से मीठे खट्टे मीठे हो जाते हैं पोहे, बहुत टेस्टी लगते हैं, आप भी एक बार ट्राई करिएगा। इधर मैंने ढक दिए हैं और इधर मैंने आटा छान लिया था, तो मैं इधर लगा दी हूँ आटा, जो कि मेरे हस्बैंड चार बज रहे हैं। तो फिर सभी लोग हमारे यहाँ दिन में खाते हैं और फिर मैं सिलाई सीखने चली जाऊँगी तो फिर मैं नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए मैं पहले लगा के सारा काम करके जाती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है और इधर मेरा आटा गीला हो गया था तो थोड़ा सा परोतन मिला के वापस से मैंने उसे सेट कर दिया है। तो मेरे यहाँ पर आटा लग चुका है और देखिए मैंने सारी प्लेट साफ़ करके अच्छी तरह से मसल के, जितना हम अच्छी तरह आटे को मसलते हैं उतना ही आटा हमारा सॉफ्ट और एकदम सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं। मेरा आटा लग गया है, तो ये है मेरा दोपहर का लाइट फूड, मेरे पोहे और मैं इसमें पी रही हूँ चाय, और ये मेरा मेरे बेटे के लिए काफ़ी है, इतने हम दोनों ही घर पे हैं तो इस टाइम हम दोनों ही। हेलो वेलकम अगेन, और अभी हो रहा है समय शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ सिलाई सीखने। आज मैं एक्चुअली लेट हो गई थी, मैंने आपको देखा था आटा वाटा लगाया था शाम के खाने के लिए और पोहे वगैरह बनाए थे, चाय वगैरह बनाई थी, उसी में मैं लेट हो गई थी। अभी ब्लू लग रहा है क्योंकि ऊपर बादल जैसे हो रहा है तो ब्लू लग रहा है। और अभी जा रही हूँ मैं सिलाई सीखने और मेरे साथ जा रही है दिया, तो फिर मैं मिलूँगी आपसे बाद में। तो फिर चलते हैं काम के लिए क्योंकि आप लोग, बस मेरा आप क्या मन करता है कि आप लोगों से बातें करती रहूँ, आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो और मेरे चैनल पर लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी मेरा चैनल मोनिटाइज होगा, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा। हेलो हाय मामा, हाय मौसी, आप सब कैसे हो? मेरे मम्मा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय बाय, लव यू ऑल। तो गाइस अभी हो रहा है समय रात के 7 और मैं आ चुकी हूँ अभी सिलाई सीख कर, और मैं और मेरी बेटी ही अभी घर पर, तो मैं और मैं अपनी बेटी खिला रही हूँ यहाँ पर खाना, और मैंने एक तरफ सब्जी गरम कर ली थी
दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया और उस पर घी रख दिया है क्योंकि मैं बनाने वाली रोटी अपनी बेटी के लिए। तो गर्म खाने से ये होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं, अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं तो गर्म खाना अच्छा लगता है। गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम करता है पर सर्दियों में नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ और मैं और मेरी बेटी दोनों एक साथ खा लेंगे। मेरे हस्बैंड आएंगे रात में तो फिर मैं उनके लिए और बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी और अपनी बेटी के लिए रोटियाँ सेक ली हैं और मैं एक तरफ रखती जा रही हूँ और एक तरफ मैंने रोटियाँ बना ली सारी। और मैं अभी मैं और मेरी बेटी हम दोनों कर लेंगे डिनर, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके लिए और बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तवा रख दिया है और एक तरफ मैं गैस पहुँच दे रही हूँ और तवा और बेलना चक्रे में मैंने पानी रख दिया है ताकि जो वो है वो गल जाए चक्रा बेलना और चिमटा। गाइस फाइनली अभी मेरा लंच डिनर बन गया है। मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को रात में 10:30 बजे, तो मैं जल्दी खा लेती हूँ, वो लेट खाते हैं। तो आज मैं अपने डिनर में लिया है, मैंने देखिए बथुए का रायता और आलू टमाटर गाजर मटर की सब्जी और रोटी जो मैंने अभी बनाई थी वो। तो और आप मैंने ये डिनर बना लिया, आपको दिखा दिया है। और आफ्टरनून का हाँ लाइट जो चाय के साथ लाइटली ब्रेकफास्ट कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए वो भी मैंने आपको दिखा दिया और आज डिनर भी आपको मैंने दिखा दिया। तो ये व्लॉग वेलकम अगेन और आप सभी कैसे हो। और आज है नेक्स्ट डे और आज है 1 फरवरी है। कॉन्ग्रेट्स आपके लिए, न्यू मंथ आ गया है। और कल था मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी, जैसे कि आप जानते हो कि मेरी सिस्टर कौन है। और मैं आपको जस्ट मिनट ईयरफोन लगा लूँ तब मैं आपसे बातें करूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, अभी मैं माइक से बातें करने वाली हूँ। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, मैंने कल जो वीडियो व्लॉग में एंड करने वाली थी वो एंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। और मैं आपको बता दूँ, जो मेरी कल मैंने वीडियो डाली है लिप बाम वाली, तो आपको उस पर इतने अच्छे फीडबैक आए हैं और आपके फीडबैक मेरे लिए काफ़ी एक तरह के एनर्जी बूस्ट का काम करते हैं। तो गाइस आपको जैसा भी लगता है एक बार आप मुझे सजेस्ट करा करिए तो मैं आपको बताऊँगी। और देखिए जस्ट मैंने जो कल मैंने लिप बाम बनाई थी वही लगाई हुई है, आप देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी उसे एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक आपको उसका एंड में स्क्रीन में आ जाएगी वो वीडियो और वॉच कर सकते हैं। और मैं आप कल हैं तो आप इसके मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी सिस्टर है स्वीटी वो अभी नहीं मिली है। सब लोग पूछते हैं मेरे से, मेरे उस चैनल पर आके बोलते हैं कि स्वीटी मिल गई है। तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे को भी स्वीटी घर में नहीं मिली है। मिल जाएगी तो हम आपको क्लियर कर ही देंगे। तो प्लीज़ एक बात बता दूं उसके बारे में या ट्विंकल के बारे में, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विंकल और स्वीटी के बारे में मेरे से कुछ भी उल्टा ना बोला करिए। मेरे पास अब काफ़ी कमेंट आकर बोलते हैं कि वो इस तरह की है उस तरह की, तो प्लीज़ मत बोला करिए क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। तो अच्छा नहीं लगता कि आप लोग मेरे से ऐसा बोलो, इस तरह से उसके बारे में बोलो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे स्वीट सब्सक्राइबर, तो ऐसा मेरे साथ मेरे से मत बोला करिए। और आप लोग मेरे से इतना प्यार कर रहे हो तो इसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो उसके लिए भी थैंक यू। और आजकल मेरे चैनल पर लाइक तो बढ़ ही रहे हैं बट डिसलाइक भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा चैनल जल्दी ग्रो अप करने वाला है। और आज है फ्राइडे और आज अभी हो रहे हैं 12:30 हो रहे होंगे और आज 1 जनवरी है। तो आज फ्राइडे, तो आज मेरे हस्बैंड घर पर ही थे जस्ट, वो अभी गए हैं। तो आपको पता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है, जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो मैं कोई भी बात नहीं कर पाती हूँ। और अभी मुझे अपनी बेटी को नहलाना है लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। तो गाइस और अभी मुझे अपनी बेटी को नहलाना है और आज मेरे यहाँ बनी है सूखी सब्जी आलू टमाटर मटर की। और मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि आज सुबह मैं जब मंदिर जा रही थी, जैसा कि आपको पता है मैं डेली मंदिर जाती हूँ। दिया नहीं बेटा, चश्मा टूट जाएगा बाबू, नहीं लाओ, मेरे को दो चश्मा नहीं लगाते बेटा, आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा, पता है दिया क्या करती है।
उसका चश्मा लगा के और उसको ऊंचा नीचे दिखते हुए क्या हाई हैवी आई पावर है मेरी आईज़ है, आई शेड ज़्यादा डाउन है तो इस वजह से वो निगाह के फिर उसे ऊंचा नीचा दिखता है तो वो लगाती है। मैं उससे मना करूँ क्योंकि बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरी आई सेट काफ़ी वीक है और इधर से धूप भी मेरे चेहरे पे आ रही है तो उसे लगा कर चलती है। दिया मेरे को देना वापस से, वापस करो। गुड गर्ल बनना, गुड गर्ल। मेरी दिया तो अच्छी बच्ची है ना, बात मानती है ना, बात मानती हो ना। मैं गुस्सा हो जा रही हूँ आपसे, बात मत करना मेरे से बोलना ही मत, मैं नहीं हूँ मम्मी आपकी। तो चलो ठीक है, आप खेल लो। आपने आपके कलर का है। और पता रात में क्या हुआ गाइस, मेरी जो गर्दन है ना इस तरह से बहुत दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों, इधर इतना यहाँ पर इधर साइड बहुत दर्द कर रही, इस तरह से नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी सासू माँ ने बोला है कि तकिया जिस पर तुम लगा के सोती हो उस तकिए को धूप में रख देना, उस पर ही सोना, उससे तुम्हारी ये गर्दन सही हो जाएगी। तो मैंने अपना पिलो है ना वो रख दिया है धूप में, काफ़ी गर्म हो जाएगा तो मैं उसी को लगा के सोऊंगी। तो गाइस मुझे आप लोगों से बात करनी थी, इस वजह से मैंने ये व्लॉग कल एंड नहीं करा, तो मैं ये व्लॉग अभी बता रही हूँ। मुझे आपसे क्या बात करनी थी, पहले मैंने बता दी कि आप लोग मुझे फीडबैक करते हैं, मुझे मेरे लिए अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा वाला दिल से थैंक यू। दूसरा नंबर, आपने मुझे जो फीडबैक दिए हैं कि आप दीदी इस तरह से बोला करो, इस तरह से बोला करो, उसके लिए भी थैंक यू। थर्ड ये है, स्वीटी के बारे में मत बोलो क्योंकि वो अभी नहीं मिली है और प्लीज़ मैं उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में स्वीटी के बारे में मत, हाँ ये पूछ लो आप वो मिली है या नहीं मिली, ये मैं बता सकती हूँ, बट उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। तीसरा कम चौथा है आपसे, हाँ चौथा मेरे को ये बोलना था कि जो वो यूट्यूबर था द रियल फेसेस ऑफ यूट्यूबर्स, उसका चैनल बंद करा दिया है बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, ऐसे रुचि ने और भावना दीदी ने, क्योंकि भावना दीदी का सुबह मेरे पास मैसेज आया था, मैंने पूछा कौन सा दीदी, तो उन्होंने मुझे बताया था वही वाला चैनल बंद करा दिया। हाँ यार, उसने तो सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, छोटे भी यूट्यूबर्स होते ऑलरेडी, और वीडियो डाउनलोड करके और उनका टाइटल चेंज करके वो वीडियो डाल दी थी, काफ़ी बेकार बेकार वीडियो जा रही थी। तो यार इस तरह से तो कोई हमारी भी डाल सकता है, इस वजह से हमने उनका सही हुआ चैनल बंद हो गया। तो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, अगर इस बात से आप लोग मेरे साथ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का आ रहा होगा। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं काम से, और देखो आज वो क्या लाते हैं हम लोगों के लिए, कुछ ना कुछ वो मार्केट से लेके ही आते हैं हमेशा फ्राइडे को कुछ ना कुछ। कल वो रात में चाउमीन लेके आए थे, कभी कभी तो उनको याद रहती है तो वो अपने आप से ले आते हैं, अगर उनको याद नहीं होती है तो वो बोलना पड़ता है तब लेके आते हैं, कभी कभी तो वो अपने आप से ले आते हैं। बट वो ये चीज़ें नहीं खाते, बट क्या आपको बताया था मैंने, मैं ही खाती हूँ और दिया खाती है, वो कोई भी फास्ट फूड नहीं खाते हैं। तो देखते हैं, और ये ब्लॉग मैं कहाँ तक कंटिन्यू करती हूँ ये भी देखते हैं, और इस ब्लॉग के बाद में आएगी फेस रैपिंग की वीडियो, तो आप उसे भी वॉच करिएगा, और अगर आपने लाइव नहीं करी है तो वो भी वॉच करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में, चलती हूँ, बाय बाय। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मैंने यहाँ पर कुकर में रख दिया है तेल, मस्ट और सरसों का तेल डाला है, और मैं डालने वाली हूँ इसमें सारे सूखे मसाले, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर, मैं सारे सूखे मसाले डाल दे रही हूँ। और सूखे मसाले डालने के बाद मैं इसे ढक्कन बंद कर दूँगी, ढक्कन बंद करने के बाद 3 सीटी ले लूँगी और वो बन जाएगी, क्योंकि मुझे पहुँचानी अपनी सास ससुर के पास, तो मैं जल्दी से बना रही हूँ। अभी हो रहा है शाम के 4 और मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाले घर पर, क्योंकि मुझे वहाँ पर सब्ज़ी देनी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ लाते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो उनको समोसे वगैरह नहीं मिले तो वो लेके आए थे अभी मेरे लिए पेटीज और बर्गर लेके आए थे, तो हम लोगों ने खा लिया। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था, सब्ज़ी भी बनानी थी अदरवाइज इस वजह से, और मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े लेके आने हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, आपने देख ही लिया, और हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली, और मेरे साथ जा रही है मेरी बेटी येरी, अब जस्ट एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, और थैंक यू आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए, और दिखाती हूँ ये जा रही है मेरे साथ मेरी बेटी, हाय करो। हाय। और आप सब कैसे हो? आज आप कैसे हो? और मैं अब जाऊँगी मार्केट, और अपने कलर दिखाओ ये। और अपने रिंग दिखाओ,
और मेरी बेटी पहनी है रिंग, ये देखिए छोटी सी क्यूट सी, कितनी प्यारी लग रही है उसके हैंड पर। और उसको रिंग पहनने का काफ़ी शौक है, बट अभी वो छोटी है, अदरवाइज़ हम उसे सिल्वर की पहना देते, बट अभी वो छोटी छोटी है। और अभी वो भी जा रही है मेरे साथ और उसके हाथ में बहुत सारे क्रियोन्स लग रहे हैं, तो वो वहाँ पर, वो बच्चों को पता है कलर्स करने का शौक होता है, पढ़ने का हो या ना हो। और अभी जा रही हूँ मैं वहाँ पर सिलाई सीखने जाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी मार्केट, और अभी पहले मैं अपने दूसरे वाले घर पर जाऊँगी सब्जी देने अपनी सासू माँ को। तो फिर आपसे मिलूँगी इवनिंग में और वहीं पर मैं ब्लॉग एंड करूँगी और दिखाऊँगी आपको मैं क्या लेके आई हूँ मार्केट से। तो मिलती हूँ आपको, बाय, और ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। बाय गाइस, गुड इवनिंग। और अभी आ चुकी हूँ मैं सिलाई सीखने गई थी वहाँ से, और अपनी बेटी का जो भी सामान मुझे लेके आना था मैं वो लेके आ चुकी हूँ, पर मार्केट में काफ़ी भीड़ हो गई थी और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो इस वजह से जो शॉप बंद होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब सामान जो करते हैं ना सेट करते वो होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं कुछ ही सामान कर पाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक दो दिन में फिर से ले आऊँगी। तो मैं जो लेके आई हूँ आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों की एक हमेशा कंप्लेंट रहती थी, दीदी आप शॉपिंग करके आती हो हम लोगों को दिखाती नहीं हो, तो मैं आज आपको दिखा दूँ तो मैं क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं ये दो हैंकी लेके आई हूँ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये बहुत सॉफ्ट है, देखिए जस्ट, और ये बच्चों के लिए तो इतने अच्छे हैं, जैसे मेरी बेटी है और उसके लिए उसका मुंह वगैरह धोना है तो उसके लिए इतने सॉफ्ट है, तो बच्चों के लिए तो हमेशा इतने सॉफ्ट वाले जो हैंकी होते हैं वही लेने चाहिए, तो मैंने ये दो सॉफ्ट वाले हैंकी लिए हैं। एक ये रेड कलर का कैप लिया है, ये मेरी दिया के स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए है, वैसे अदरवाइज से घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे उसके पास फैंसी कैप काफ़ी सारे हैं, इसके अपने वीडियोस में भी देखे होंगे, बट वो क्या करती है, जो उसके धागे होते हैं उनको मुंह से कर करके खींच के ख़राब कर देती है सारे कैप। अभी भी मैं लेके आई थी एक, वो काफ़ी सुंदर था, तो उसने वो भी बेकार कर लिया, मुझे वो सही भी करना, धागे निकाल दिए। और मुझे ना दो ये टॉप्स बहुत प्यारे लगे थे वहाँ पर, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, जस्ट देखिए कितने, ये मुझे जो टॉप्स थे वो बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ये लिए थे। मैं आपको रेट बता दूँ, ये मुझे शायद 80 रुपीज़ के थे, और ये कैप जो था मैं ओनली ऑन 60 रुपीज़ का मिला है, और ये हैंकी 15 रुपीज़ के हैं, 15 के काफ़ी अच्छे हैं 15 रुपीज़ में, तो काफ़ी प्यारे लगे थे मुझे। और मैं ये लेके आई थी साड़ी पिन दो पैकेट, इसके ये मुझे 10 रुपीज़ का एक पड़ा है, तो 60 रुपीज़ के दो हो गए, तो ये दो मुझे 60 रुपीज़ के मिल गए थे। और मैं इसमें दिया के लिए गर्म पजामे ही लाई थी, तो ये मुझे 60 रुपीज़ की एक मिली है दिया के लिए। और मैं वैसे, मुझे ये वाली नहीं लेके आनी थी, मुझे वो लेके आनी थी, बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी चल रही फ्लावर होते हैं उन पर, बट मैंने कई शॉप पर देखी मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं नेक्स्ट बार जाऊँगी तब देखूंगी, मुझे लेके आनी है दिया के लिए वो एक दो, दो तो लेके ही आनी, बहुत प्यारी थी, मैंने किसी के पास देखी थी, इस वजह से मैं ये दो, मैं ये तीन लेके आई हूँ, मुझे ये 60 रुपीज़ की एक पड़ी है, ये मैं उसके लिए तीन लेके आई हूँ। और बस और कुछ नहीं, बस ये सॉक्स हैं दिया के इस ड्रेस के, वो बेकार हो गए थे इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो यही है मेरी छोटी सी शॉपिंग। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो मुझे कुछ खान भूख लग रही थी, तो मैं कुछ खाने वाली थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों का ब्लॉग एंड कर देती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। तो गाइज अभी आज मैंने आप लोगों से बोला कि जैसे कि मेरे आज हस्बैंड के समय शूट करना चाहती थी, बट वो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो बिजी हो गए, उनके कस्टमर्स वगैरह आ गए थे, कस्टमर वगैरह आ गए थे, तो मैं भी वो कर नहीं पाई, उनसे उनको मिला नहीं पाती हूँ बार बार, क्योंकि वो इतने बिजी हो जाते हैं कि मैं आपसे उन लोगों की बात नहीं करवा पाती हूँ। सोच रही हूँ व्लॉग उनके साथ करूँ, बट वो घर पर रहते ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो भी रहते हैं तो उसमें वो शूटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करने देते, और इतना परेशान करते हैं बहुत। और वो आए थे आफ्टरनून में, आए थे तो चाय लेके गए थे, मतलब सास जी और ससुर जी के लिए वो चाय ले गए थे, चाय ले गए थे, और वो ले गए थे सब्जी की बोल गए थे, तो मैंने सब्जी बना दी थी जैसे कि आपको दिखा दिया, और सब्जी बनाने के बाद मैंने वहाँ पर सब्जी पहुँचा दी थी। तो गाइज आप लोग मेरे को इतना प्यार कर रहे हो उसके लिए लव यू ऑल, और ऐसे मेरे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और जल्दी जल्दी से गॉड से प्रे करिए कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो। तो मैं ये वीडियो और ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे ज़रूर दबाइएगा, वो एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जो बेल बटन आ रहा है ना,
तिली लिली वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। तो गाइज मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलती हैं, बाय बाय। और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में और मैं किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो ये भी मुझे कॉमेंट में बताइएगा। तो बाय, लव यू ऑल।